हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस हिस्ट्री, और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 5 फेब 2021। और जो आपकी 6th की कॉमन वर्कशीट है बच्चों सैटरडे की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी अपनी सैटरडे की वर्कशीट भी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इन 1872-1947। तो इसमें पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म आफ्टर 1919। द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम ए मास मूवमेंट। तो इसमें बताया गया कि 1919 के बाद क्या हुआ था, जो स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो एकदम क्या बन गया था, मास मूवमेंट बन गया था। मास मूवमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उसमें कनेक्टेड हो गए थे, ज्वाइन होना स्टार्ट हो गए थे। इट इन्वॉल्व पीजेंट वर्कर ट्राइबल स्टूडेंट एंड वुमेन। तो उसके अंदर किसान मजदूर ट्राइबल बच्चे और महिलाएं भी, ये भी सभी क्या सम्मिलित हो गई थी। देवर आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट। और इसके ऊपर जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसका भी फर्क पड़ा था, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो क्या इम्पैक्ट था देखते हैं इसमें। इट लीड टू द ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो युद्ध चल रहे थे तो उसमें क्या होता, काफ़ी सारा खर्चा आ रहा था, डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इंडिया का, वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था। मतलब उन्हें डिफेंस पे काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज किया ताकि जो लोगों की इनकम और जो उनको प्रॉफिट हो रहा था वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर वार सप्लाइज लीड टू द शार्प राइज इन प्राइजेस। अब क्या था, जो मिलिट्री जो सेना पे खर्चा हो रहा था और जो वार के लिए जो जो हथियार चाहिए थे उनके लिए भी जो डिमांड उनकी बढ़ रही थी, उसके लिए क्या हुआ, जो प्राइस थे जो चीज़ों के उनके वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए प्राइस को इंक्रीज किया गया। इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड एंड डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड जो मतलब औद्योगिक जो सामान था उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो इम्पोर्ट था मतलब दूसरे देशों से जो इम्पोर्ट था वो आ नहीं रहा था। तो इंडिया गेव इंडियन इंडस्ट्री द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड। तो इससे क्या हुआ, इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने ही बिजनेस को, अपने ही व्यापार को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने अपने ही देश में चीज़ों का बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखते इसमें। द वार ऑल्सो रिजल्टेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सिपॉय इन द आर्मी वू वर सेंट टू द सर्व अब्रॉड। तो इसके जो युद्ध चला था उसके लिए क्या, बहुत सारी सिपाहियों की भर्ती की गई और कुछ सिपाहियों को अब्रॉड भी भेजा गया। ठीक है, मतलब विदेशों में युद्ध के लिए भेजा गया। आफ्टर कमिंग बैक दे एक्सपोज द एक्सप्लोटेशन ऑफ द इम्पेरियल लिस्ट पावर एंड अपोज द कॉलोनिकल रूल। तो जब वो युद्ध करके वापसी अपने देश आए तो उन्होंने उनके ऊपर हुए एक्सप्लोटेशन को, अपने बारे में जो एक्सप्लोटेशन का हुआ उनके बारे में बताया, और इसके खिलाफ क्या हुआ, उन्होंने कॉलोनिकल रूल को विद्रोह करना उनको स्टार्ट कर दिया। बाय द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर एंड आर्य सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। तो इससे क्या, 1917 के जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था उससे क्या था, किसान और जो मजदूर थे उनके स्ट्रगल का जो जो उन्होंने स्ट्रगल कर रहे थे उस वो जो बात थी वो सभी दूर दूर तक सभी लोगों तक पहुंच गई, और इससे क्या बहुत ज़्यादा लोग सोशलिज्म और वो भी सभी लोग उसमें आंदोलन में जुड़ते चले गए। तो हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, व्हाई वर द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर कॉल्ड एज अ मास मूवमेंट आफ्टर 1919। तो 1919 के बाद जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको मास रेवोल्यूशन क्यों कहा गया। तो इनसे लिखेंगे आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम ए मास रेवोल्यूशन बिकॉज लिख देना यहाँ पर, बिकॉज इट इन्वॉल्व पीजेंट वर्कर ट्राइबल स्टूडेंट एंड वुमेन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस वर्कशीट का, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडियन इंडस्ट्री को किस प्रकार बढ़ावा मिला फर्स्ट वर्ल्ड वार से। इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड एंड डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री इंडिया गिव इंडियन इंडस्ट्री द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इससे क्या था कि इंडिया में ही अपने सामान का उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 ऑन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का और 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसका नेशनल मूवमेंट पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा था।
तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।